नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म एवरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मंगल ग्रह को हमने लिया है। मंगल ग्रह ज्योतिष में या अपने कुंडली में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ये बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही असरदार ग्रह है। मंगल ग्रह जीवन में कारक है, ब्लड का, प्राकर्म का और राज तत्व का। यह प्राकर्म और भी कई चीजों का है। अब हम देखते हैं कि मंगल ग्रह जीवन में क्या क्या प्रभाव डालता है। मंगल ग्रह आपको राजा बना सकता है क्योंकि यह प्राकर्म का ग्रह है। आपको डिफेंस में उच्च पद पर दे सकता है, सिविल प्रशासनिक व्यवस्था में आपको ऊंचे पद पर दे सकता है और आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियल बन सकते हैं क्योंकि उसमें संघर्ष करने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। और जो संघर्ष कर सकता है, कर्म कर सकता है, वह दुनिया में विजय प्राप्त कर सकता है। जितने भी बड़े बड़े सेनापति हुए हैं, क्योंकि ये ग्रहों में सेनापति माना जाता है, तो ये पराक्रम के बल पर हुए हैं। अब हम देखते हैं कि पराक्रम व्यक्ति के अंदर कैसे फलीभूत होता है, कैसे आता है और कैसे उसमें प्रभाव दिखाता है। जिसका मंगल शुभ है, अच्छे जगह पर है, अच्छे दृष्टि युक्त है, वह व्यक्ति बहुत ही पराक्रम वाला होगा, किसी चीज को हठपूर्वक प्राप्त करने वाला होगा, जीवन में वह ऊंचाई छोड़ने की लालसा रखने वाला होगा और जीवन में निरंतर विकास करने के लिए प्रयत्नशील रहेगा। अब हम देखते हैं कि यह कुंडली में चौथे और आठवें भाग में अगर है, भाव में बैठा हुआ है, तो वह अच्छा परिणाम नहीं देता है। बाकी सभी भाव में अगर अच्छे दृष्टि में है, अच्छे स्थिति में है, तो अच्छा प्रभाव देता है। अब हम देखते हैं कि ये चौथे और जो आठवें भाव में है, इसमें भी अच्छा प्रभाव दे, इसके लिए भी हम कुछ उपाय बताएंगे। अब हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। आज हम इस पर प्रकाश डालेंगे, वास्तु के आधार से भी, ज्योतिष के आधार से भी, न्यूमरोलॉजी के आधार से भी और जो व्यवहारिक पद्धति है जिसके द्वारा अपने आप को व्यवस्थित कर सकते हैं, सुदृढ़ कर सकते हैं और मंगल पर कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं, मंगल को अपने पक्ष में कर सकते हैं, तो जीवन में आपको सुखी ही सुखी होगी। मंगल शब्द ही होता है मंगल, तो जब मंगल शब्द है तो ये अमंगल कैसे कर सकता है। हाँ, कुछ स्थिति में यह अमंगल की स्थिति पैदा करता है और वो कैसे करता है, जब कुंडली में सही स्थान पर नहीं हो, व्यक्ति अपने व्यवहार में सही व्यवहारिकता नहीं रखता हो, व्यक्ति अपनी सोच में सही व्यवहारिकता नहीं रखता हो, व्यक्ति अपने जो व्यवहार रात दिन कर रहा है उसमें वो कुशलता नहीं रखता हो, तो मंगल खराब होता है और मंगल कुप्रभाव देने लगता है। तो अब हम देखें कि क्या हो सकता है। ब्लड अगर राहु का युक्ति हो गई, राहु के प्रभाव में आ गया, तो चूंकि राहु ब्लड को काला करता है तो ब्लड कैंसर तक ले जा सकता है। अगर ये शनि के साथ युक्त हो गया तो वो कैंसर तक को उत्पन्न करता है। और कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनके प्रभाव में आने के बाद मंगल अपना कुप्रभाव देता है। ऐसे मंगल अशुभ ग्रह नहीं है, उग्र ग्रह है, क्योंकि यह अग्नि तत्व से प्रभावित होता है। अग्नि तत्व मतलब एनर्जी का तत्व, इसमें शक्ति का तत्व होता है। तो यह सारा चीज हम देखते हैं। अगर जीवन में बार बार ठोकर लगता हो, एक्सीडेंट होता हो, ब्लड कहीं कहीं प्रभावित हो जाता हो, चोट घाट लगता रहता होगा, तो आप समझिए कि मंगल आपके लिए उचित नहीं प्रभाव दे रहा है।
तो हम ये सब आगे चल करके बताएंगे कि इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। मंगल संबंध को खराब कर सकता है, संबंध जैसे भाई के साथ संबंध हो, कुटुंब संबंधियों के साथ संबंध हो, क्योंकि अपने प्राकर में वो एक अहंकारपन उसको आ जाता है, एक रूढ़ी मन में उसका विचार आ जाता है, कठोरता उसके अंदर ज्यादा हो जाता है, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए तीव्र गति से उसे प्राप्त करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में मंगल बुरा प्रभाव देने लगता है। अब देखें कि ये सब तो मंगल का कारक आपने देखा, धैर्य कम होना, उग्रता ज्यादा होनी, मन में जो है कठोरता जाने होना, प्रतिस्पर्धा में ईर्ष्या रखना, किसी हालत में टांग खींच करके दूसरे को और ऊपर चढ़ना, ये सब भी खराब मंगल के कारण होता है। तो हम ये सब ठीक इसके विपरीत सोचें कि मन में लचीलापन रखें, कोमलता रखें, मौन धारण अधिक करें, ये व्यवहारिक उपाय बताते जा रहे हैं, इसको ध्यान से रखें तो आप जीवन में अच्छा कर सकते हैं। अब देखिए, मंगल अग्नि है तो जल तत्व से ये शांत होता है, अर्थात चंद्रमा से शांत होता है, तो चंद्रमा का भी हम अगर उपाय करते हैं तो मंगल सही हो सकता है, क्योंकि चंद्र जो है मन का कारक है, मन जो है सो जितना अधिक विचलित रहेगा, शांति नहीं रहेगी, उद्वेग उसमें ज्यादा होगा, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से जो है मंगल के प्रभाव में आ जाएगा। तो उसे कौन कंट्रोल करेगा? चंद्र करेगा, मन जो मन का कारक है। तो मन को स्थिर रखना, व्यवहारिकता रखना, लोगों का सम्मान रखना, अहंकार नहीं रखना, ये सारा चीज मन के द्वारा कंट्रोल होता है, और मन जो है चंद्र का है, तो चंद्र को हम व्यवस्थित करेंगे तो मंगल अपने आप व्यवस्थित हो जाता है। अब देखें कि अगर उसे ज्ञान आ जाए, उसके अंदर ज्ञान का प्रस्फुटन हो जाए, वह ज्ञानी व्यक्ति हो जाए, तो वैसा कार्य कभी नहीं करेगा जिससे मंगल खराब होगा। जैसे अभी कभी भी वह किसी दूसरे को दबा करके, दूसरे पर प्रेशर बना करके अपना काम बनाना, ऐसा कार्य नहीं करेगा, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया। ऐसा कार्य करने वाले का मंगल खराब होता है, तो ऐसा कार्य नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि अपने जो बड़े लोग हैं, पिता तुल्य हैं, उनका सम्मान करना, अर्थात ये बृहस्पति से जुड़ जाता है, और बृहस्पति बड़े लोगों का, बुजुर्गों का, ब्राह्मणों का और सम्मान करने पर खुश होते हैं, अर्थात उसके अंदर बृहस्पति का प्रभाव आ जाएगा, और बृहस्पति उसके ज्ञान में वर्धन करेगा, ज्ञान के प्रकाश को बढ़ाएगा, और मंगल सही होने लगेगा। अब देखें कि कैसे क्या हो सकता है। ईर्ष्या करना छोड़ दें, शांत रहना शुरू करें, मन में कठोरता नहीं रखें, बात बात पर झगड़ा नहीं करें, लोगों से उलझने की कोशिश नहीं करें, बुद्धि से वहां से निकलने की कोशिश करें, तो जीवन में आपको मंगल अच्छा हो जाएगा। इसके लिए मेडिटेशन आवश्यक है, क्योंकि शांत रहना है, मन को स्थिर रखना है, तो मेडिटेशन, व्यायाम, योग, प्राणायाम, ये सारा चीज भी करके मंगल को हम सही कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राकर्म का और साथ ही ब्लड का कारक है। ब्लड में जितना उत्तेजना होगा उतना अधिक व्यक्ति जो है सो मंगल को खराब करेगा। मंगल से ही बीपी होता है, जितने भी आप देखेंगे कि बीपी वाले, मतलब इसका मतलब मंगल उसका सही नहीं रहा है, अर्थात मंगल के जो व्यवहार हैं वो गलत करके अपने मंगल को प्रभावित किया है, मंगल में ऐसी स्थिति घोल दिया है कि मंगल उसका खराब हो गया। अब हम देखें आगे कि वास्तु से दृष्टि से, वास्तु की दृष्टि से ये दक्षिण का मालिक है मंगल, तो दक्षिण का जो मालिक है, इसका मतलब जहां भी जो अग्नि तत्व है, अग्नि का कारक है, अग्नि का देवता है, तो इसका मतलब वास्तु से अगर मंगल को आप सही रखना चाहते हैं तो दक्षिण दिशा को व्यवस्थित करें, और सबसे बड़ा कि आप अपने किचन को व्यवस्थित करें, किचन में गंदगी नहीं हो, जहां उसका गैस चूल्हा रखा हुआ है वहां के आसपास बिल्कुल अच्छा वातावरण होना चाहिए, खुशनुमा होना चाहिए, बदबू नहीं आनी चाहिए, और सर सफाई होनी चाहिए,
कचरा इत्यादि डेली वहाँ पोछा नमक से इत्यादि लगा करके उसको व्यवस्थित करें। तो अगर इसको आप करते हैं तो निश्चित रूप से मंगल आपका अच्छा हो सकता है। हम मंगल में कुछ ऐसे लाल किताब के भी उपाय बता रहे हैं जिसे आप अगर कर लेते हैं तो जीवन में आपको ब्लड शुगर भी नहीं होगा और मंगल कभी अमंगल के रूप में आपके जीवन में नहीं आएगा। सुबह उठते ही गुड़ का ढेला खा लें और ठंडा पानी पी लें, इससे आपका जो है सो मंगल से ही हो जाए। कभी इस साल 6 महीने 2 महीने 4 महीने में अगर लग रहा है कि मंगल हमारा जो है सो खराब हो रहा है तो आप गुड़ का ढेला लेकर के सुनसान जगह पर जाकर के कहीं गाड़ दें कि इससे आपका मंगल सही हो जाएगा। आप तांबे के बर्तन में पानी पिए, तांबे के बर्तन में जल रख करके और उसके बाद पानी पिए। ये आपको कभी भी पानी पिए तो थोड़ा सा गुड़ का ढेला खा करके आप पानी पिए तो आपके जीवन में मंगल अमंगल नहीं लाएगा और निरंतर आप अपने जी पराक्रम के बल पर, अपने बुद्धि के बल पर, अपने ऐश्वर्य के बल पर आगे बढ़ते रहेंगे और जीवन में आपको एक राजयोग की स्थिति में भी पहुँचा सकता है। तो मंगल के ये ग्रह हमने लाल किताब से देखा और वास्तु से देखा। अब देखें ज्योतिषीय इसके उपाय क्या हो सकता है, क्योंकि व्यवहारिक उपाय भी मैंने बता दिया कि मन को शांत रखना, कम बोलना, मौन धारण करना, ये सब चीज़ जो है सो थोड़ा व्यायाम करना, मन को जो है सो स्थिर रख करके ध्यान इत्यादि करना, ये सारे चीज़ से आपकी उग्रता खत्म हो जाएगी, बेचैनी खत्म हो जाएगी, आप जो एक उन्माद में रहते हैं वो आपका खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से मंगल आपका सही हो जाएगा। आप ज्योतिषीय उपाय में देखें कि प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आप चोला चढ़ाएं उनको, चमेली की तेल और जो हनुमान जी का सिंदूर होता है उनसे उनके दाहिने पांव पर जाकर के लगाएं और घी का दीपक जलाएं, बिल्कुल मंगल ही मंगल होगा। आप मंगलवार का व्रत भी रख सकते हैं क्योंकि मंगलवार का व्रत आपको बहुत ही ताकत देगा। लेकिन ध्यान रहे ये सारे चीज ज्योतिषीय उपाय करने के लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है, क्योंकि सांसारिक सुख से दूर होकर के भी आप इस पर कर सकते हैं उपाय तो आपको कारगर होगा। मंगल अनैतिक रिलेशन भी देता है, एक के साथ नहीं अनेकों के साथ दे देता है, तो इससे भी मंगल खराब होता है। तो मंगल को हमको सही रखना है, व्यवस्थित रखना है, तो ये सारे चीज से आपको बचना पड़ेगा। पत्नी के प्रति दृढ़ विश्वास के साथ रहें, एक दूसरे के कंपाउंडिंग बहुत ही केमिकल कंपाउंडिंग बहुत जबरदस्त हो, एक दूसरे पर विश्वासघात नहीं हो, इससे मंगल आपका सही रहेगा। औरत को या लड़की को मंगल में हनुमान जी की व्रत नहीं रखना है और हनुमान जी का तपस्या मतलब हनुमान चालीसा इत्यादि पाठ इत्यादि भी ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए कि औरत को मंगल कहीं भी शास्त्र में आप देख लें उठा करके, मंगल में कहीं भी हनुमान जी की पूजा करते हुए, क्योंकि इनके देवता कौन है, हनुमान जी है, हनुमान जी की पूजा करते हुए औरत को नहीं दिखा गया है। मतलब जो व्यक्ति पराक्रम चाहता है, विजयी चाहता है, यश सम्मान चाहता है, ये सारा चीज़ हनुमान जी दिला सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी आप देख लें काच उपसाद रहूं बलवान, पवन तनय बल पवन सवाना। जब इतनी शक्ति है और वो चुप क्यों है, इसलिए वो मौन धारण किए हुए हैं। उन्हें दूसरा जगाता है तब उनके पराक्रम को याद आता है। तो आपको भी जीवन में ये उतारना है कि पराक्रम रहते हुए आप अनैतिक नहीं करें, न्याय नहीं करें, लोगों को सताएं नहीं, समाज में ऐसे कोई कार्य नहीं करें जिससे आपको घृणित दृष्टि से लोग देखें, सम्मान के दृष्टि से देखें, ऐसा कार्य आप करें तो यही मंगल का कारण है। अब देखें जिसका इष्ट इतना शक्तिशाली हो जाए, अर्थात हनुमान जी इतना शक्तिशाली हैं और उनको मैं प्रसन्न कर लिया तो अमंगल हो ही नहीं सकता। मैं केवल आपको जीवन में अमंगल नहीं होगा ये सारी टेक्निक बता रहा हूँ जो किसी ज्योतिषी में ऐसा नहीं बताता है। आप देखेंगे तो यही कहेगा हम किसी ज्योतिषी से हमें मतलब नहीं है, ये अमंगल हो जाएगा वो अमंगल हो जाएगा। अभी किसी जगह मैंने देखा था कि भाई आप केक भी नहीं करना, किसी प्रकार का मंगल कार्य नहीं करना, ये सब गलत है। एक केवल उसके इष्ट को अर्थात हनुमान जी को आप प्रसन्न कर लेते हैं तो जीवन में कोई कमी आपको नहीं रह सकता है, ये मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। 1000 लोगों पर ये अप्लाई किया हुआ है। कहा जाता है राम रसायन तुम्हारे पास आ सदा रहूं रघुपति के दासा। इतना नम्रता होनी चाहिए, इतनी विनम्रता होनी चाहिए, जिसको राम और रसायन जितने भी दुनिया के रसायन हैं उसके ज्ञाता थे हनुमान जी,
तो जब ऐसी स्थिति है तो आप हनुमान जी के उस रूप को धारण करें, सदा रहें रघुपति के दासा। सेवक कोई कैसा रहता है, विनम्र रहता है, जी मालिक, जी स्वामी, आपकी सेवा में हाजिर हूं, और आस्था भी, निष्ठा भी और विश्वास भी। ऐसा नहीं कि छल हो, ये नहीं हो, ईर्ष्या छल ये अवगुण है मंगल के। तो ये सारे चीज को आपको धारण करना। अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, असवर दीनी जानकी माता। अष्ट सिद्धि, आठ प्रकार की सिद्धियां होती है, नौ निधि होते हैं, ये सब जानकी माता ने प्रसन्न होकर के हनुमान जी को दिया। मतलब इसका आप समझे कि जीवन में अगर मौन धारण करते हैं, विनम्रता धारण करते हैं, सेवा भाव रखते हैं, तो आपके जीवन में ये सब चीज प्राप्त हो सकता है। तो अमंगल की कहां बात है, कुछ हो ही नहीं सकता है। अब देखें, चौथे घर में और आठवें घर में मंगल अगर है तो निश्चित रूप से ये खराब प्रभाव देता है। लेकिन ये सारी प्रक्रिया जो मैं बता रहा हूं, इससे आप जीवन में, आठवें में है तो चोट घाट मृत्यु तक पहुंचाता है, एक्सीडेंट, भयंकर एक्सीडेंट, ये सारा चीज मंगल का काम है। चौथे भाव में है तो सारे सुख को छीन लेगा, चौथा भाव सुख का कारण है, तो सुख को छीन लेगा, अपने एकदम ऐसा कर देगा पागल की तरह के, बड़े बड़े लोगों से आप टकरा जाएंगे, लड़ाई झगड़ा केस मुकदमा सब चीज आप करेंगे। इसका मतलब आप चौथे घर में, आपका मंगल आपको वैसे रास्ते पर ले जाता है। तो इसके शांत करने के लिए जो सारे ट्रीटमेंट बता रहे हैं न्यूमरोलॉजी के आधार से, यह इसका अंक 9 है। अगर जीवन में आप ऊर्जा चाहते हैं, सब चीज है, और 9 अंक आपके कुंडली में नहीं, मतलब आपके अंदर तेजस्व खत्म हो जाएगी, प्रकर्म खत्म हो जाएगी, आपके अंदर जो है सो रक्त की बीमारियां भी होने लगी, रक्त संचार में कमी आ जाएगी, रक्त जो है पूरे शरीर का मालिक मंगल है, तो हम इसको भी व्यवस्थित करें। कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, इसका सीधा सा उपाय है कि एक लाल रंग के कपड़े में जो है सो 9 के छोटे छोटे 9 के 9 जो है सो गुर के ढेला अपने पास रखें, पूजन स्थल में रखें, इससे आपका वो ठीक हो सकता है। लाल रंग का रुमाल रखें अपने पास, इससे भी ठीक हो सकता है। चांदी के एक चकोर गोली जो है सो वो अपने पास रखें, इसका आपको प्रभाव हो सकता है। अनामिका उंगली में, इसमें आप जो है तांबे का छल्ला पहने, इससे आपका मंगल सही हो सकता है। ये सारे हम ज्योतिषीय उपाय भी बता रहे हैं। तो ये कुंडली बहुत बड़ा जो ये है, वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, इसको हम पार्ट बाय पार्ट देंगे, अगले में भी मंगल का और सारे चीज बताएंगे। आज केवल इतना ही करें, और अब जीवन में खुशी लाएं, आनंद लाएं, पराक्रम लाएं, ऐश्वर्य लाएं, राजा बने, ये सारा चीज आपको प्राप्त हो सकता है। जीवन में मंगल ही मंगल होगा, ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इससे आप दुविधा में नहीं जाए, विश्वास करें और विश्वास के साथ करें। वैसे सारे उपाय हमने बताया है जो जीवन में आपको मंगल ही मंगल देगा। ठीक है, आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।